दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सदाशिव राव भाव जी के बारे में, मराठा साम्राज्य में, जिनका जन्म 4 अगस्त 1730 ईस्वी को, मृत्यु 15 जनवरी 1761 ईस्वी को। सदाशिव राव भाव पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था। वह शासन प्रबंध में बहुत ही कुशल था और मराठा साम्राज्य का समस्त शासन भार पेशवा ने उसी पर छोड़ दिया था। सदाशिव राव ने मराठाओं की विशाल सेना को यूरोपियन सेना के ढंग पर व्यवस्थित किया। उसके पास इब्राहिम खां गर्दी नामक मुसलमान सेनानायक के अधीन विशाल तोपखाना भी था। अपनी इन्हीं सैन्य बल के आधार पर सदाशिव भाव ने हैदराबाद के निज़ाम सलावत जंग को उदयगिरि के युद्ध में हरा कर भारी सफलता प्राप्त की। इस विजय से उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि उसे शीघ्र ही पंजाब प्रांत में अहमद शाह अब्दाली की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट कर मराठा की सत्ता स्थापित करने के लिए भेजा गया। सदाशिव भाव कूटनीति एवं युद्ध क्षेत्र दोनों में विफल रहा था। उसके दम्भी स्वभाव के फलस्वरूप जाट लोग विमुख हो गए तथा राजपूतों ने भी सक्रिय सहयोग नहीं दिया। वह नवाब शुजाउद्दौला को भी अपने पक्ष में नहीं रख सका, हालांकि मुगल बादशाह ने उसे अपने प्रतिनिधि बना कर रखा था। वह रणनीति में जो भी अब्दाली से मात खा गया था, उसने आगे बढ़कर अब्दाली की फौज पर हमला करने के बजाय स्वयं उसके हमले का इंतजार किया। इस प्रकार उसकी विशाल सेना को पानीपत के मैदान में, जहां पर उसने अपने मोर्चबंदी रखी थी, अब्दाली के फौजों ने घेर लिया। 15 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव भाव ने असाधारण वीरता दिखाई, किंतु वह मारा गया। इस युद्ध में 15 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव राव भाव ने असाधारण वीरता दिखाई किंतु वह मारा गया इस युद्ध में पराजय से मराठा शक्ति को गहरा धक्का लगा और इसी आघात से पेशवा की मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।